Hi friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe to the channel. Hit the notification bell for further updates of new videos. Like, comment and share. Namaste friends. तो मेरे पहले जो सारी कलेक्शन का वीडियो था आप लोगों ने बहुत पसंद किया. अभी दुर्गा पूजा, नवरात्रि, काली माता की पूजा, लक्ष्मी पूजा और फिर है वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर, सब कुछ है. तो फेस्टिव सीजन अभी सामने ही है, चालू होने वाले हैं. तो इसीलिए मैंने आज लेके आई मेरी साड़ी कलेक्शन वीडियो पार्ट टू. तो चलिए अब देखते हैं. तो मैं बंगाली हूँ तो बंगाली साड़ी पहले ही हम लोग कॉटन प्रेफर करते हैं. बंगाल का कॉटन तो वर्ल्ड फेमस है. और बंगाल का क्यों, इंडिया का कॉटन ही वर्ल्ड फेमस है. तो पहले कॉटन साड़ी देख लेते हैं. बहुत अच्छा कलेक्शन है, मैं दुर्गा पूजा में भी पहनती हूँ. दुर्गा पूजा में हमेशा लोग महंगी साड़ी पहनते हैं तो मैं दुर्गा पूजा में भी कॉटन की साड़ी पहनती हूँ. और सिल्क तो है ही मेरी कलेक्शन पे. तो आज मैंने 15 साड़ी लेके आए आपके लिए. तो चलिए देख लेते हैं कौन सा 15 मेरा मोस्ट फेवरेट साड़ीज मैं लेके आई आप लोगों के लिए. इसको बंगाल की तांत बोलते हैं, तांत की साड़ी. ये वीविंग है, जैसे हाथ पे बनाते हैं. ये मशीन का नहीं, हैंडमेड है. और इधर जरी के काम है और अंदर ऐसे गोटा है, जैसे बूटी बोलते हैं जिसको, अंदर ऐसे है. ये बॉर्डर है साड़ी का, आप देख सकते हो ऐसे बॉर्डर है. और ये है साड़ी का काम, जरी का काम है. और जो काला जामुन होते हैं उसका अंदर जो डार्क मैजेंटा और पर्पल मिला के जो कलर है, ऐसा कलर है इसका. और ये पूरा जरी का काम है, ऐसे आपका नी से पूरा नीचे तक जाएगा. और इसका ब्लाउज भी मैंने बहुत अच्छा करके बनाई, इसका पीस नहीं था, मैं अंदर से कपड़ा लेके बनाई. इनसेट पे आप देख सकते हो ब्लाउज कैसे है. सभी साड़ी का ब्लाउज मेरे पास नहीं है, जो जो साड़ी का ब्लाउज है मैं दिखा दूंगी. और ये इसका पल्लू है, देखिए कितना सुंदर, पूरा जरी का वर्क किया हुआ, पूरा बनारसी जैसा है. लेकिन ये बनारसी नहीं है, बंगाल का कॉटन है, जिसको हम तांत बोलते हैं वो है. आप देख सकते हैं कितना सुंदर काम है इसका. इसको हम बंगाली में तांते साड़ी बोलते हैं. ये है और एक तांते साड़ी, जो इसका बेस कलर है, जो चंदन आप भगवान को देते वक्त जो खींचते हैं, जो वाइट चंदन होते हैं, वो डार्क, उसका डार्क कलर. और घी का कलर भी आप बोल सकते हो. उसके अंदर भी जरी का ऐसे बूटी किया हुआ है, उसके अंदर एक एक लाल थ्रेड का बूटी किया हुआ है और लाल जरी का बॉर्डर है. दुर्गाष्टमी या विजयादशमी में बहुत अच्छा जाता है अंजलि देने के लिए, पुष्पांजलि के लिए. हम बंगालीज ऐसे साड़ी प्रेफर करते हैं. साड़ी का कोई कलर नहीं होता कि यंग एज, ओल्ड एज, इसीलिए लाइट कलर, डार्क कलर, ऐसे नहीं होता. जो साड़ी जो कैरी कर सकते हैं, जो औरत, जो लेडी, जैसे वाइट साड़ी भी आप कैरी कर सकते हो. आप बहुत यंग हो, कॉलेज गोइंग हो या स्कूल का भी हो, जैसे 9th 8th स्टैंडर्ड का और बड़ी हो, पर आप कैरी कर सकते हो, आप ग्लैमरस हो, तो वाइट साड़ी में भी आपको अच्छा लगेगा. तो मेरे पास डार्क कलर का, डीप कलर का और लाइट कलर का, हर कलर का साड़ी कलेक्शन है. और ये देखिए, ये बीच का ऐसे बॉर्डर है, ये कमर की तरफ जाता है, ये रेड. पूरा साड़ी का ऐसे लुक है, ऐसे दिखता है पूरा साड़ी. और अभी मैं दिखा रही हूँ इसका पल्लू. पल्लू भी बहुत ही सुंदर है, ये भी जरी का काम किया हुआ है. पल्लू के नीचे ऐसे टैसल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे ऐसे है पल्लू. ये भी बहुत ही सुंदर साड़ी है, साड़ी है ये हैंडलूम का साड़ी है, कॉटन का. गर्मी में भी बहुत सुंदर लगता है
आप जा सकते हो कहीं भी ये पहन के रात का कोई प्रोग्राम पे गर्मी में। तो ये देखिए रस्ट कलर का बॉर्डर है, पूरा बॉर्डर पूरा रस्ट कलर का है और अंदर ऐसे ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर ऑफ व्हाइट और पर्पल देके बॉर्डर, थोड़ा बूटी जो बोलते हैं बीच में ऐसे काम है, बड़ा बड़ा बूटी, बहुत सुंदर लगता है ये साड़ी पहन के। मैं इनसेट पे मेरा जो जो साड़ी का लुक का मेरा पिक्चर है, मेरे पास फोटोज है, मैं दे दूंगी। ये देखिए ये बॉर्डर ऐसे है, और अभी इसका पल्लू ऐसे है, इसका पल्लू का भी नीचे ऐसे टैसल्स दिया हुआ है। ये पूरा कॉटन का है, हैंडलूम का साड़ी है, ऐसे है पल्लू, पूरा रास्ट के ऊपर पूरा वीविंग के काम किया हुआ है। मैं तो सैल्यूट करती हूँ जो तांती भाई लोग जो बुन के हाथ से इतना मेहनत से ये बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनाया। देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ एक ग्रीन साड़ी, ये साड़ी भी देखिए ऐसे बॉर्डर है ऑफ व्हाइट का ऐसे, और इसका पल्लू है रेड, कितना सुंदर सा पल्लू है। इसके साथ कोई भी जंग ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज का ज्वेलरी, सोना मतलब गोल्डन ज्वेलरी, पर्ल सभी जाएंगे इसके साथ। ये गीचा तसर, ये रस्ट कलर का है, ये सिल्की है बहुत, इसमें एक थ्रेड सिल्क का है और एक थ्रेड तसर का है, ऊपर का कोई बॉर्डर नहीं है, नीचे के बॉर्डर आप देखिए कितना सुंदर है। एक है ब्लैक, एक है सिल्वर और एक है एंटीक गोल्डन। देखिए एक ब्लैक सिल्वर और एंटीक गोल्ड, और इसका पल्लू ऐसे है। इसका ब्यूटी है, इसका ब्लाउज पीस बहुत ही सुंदर है, ब्राउन बॉर्डर और ऐसे रस्ट बॉर्डर और अंदर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये साड़ी। ये भी गीचा तसर है, तसर ही हमारा कॉटन का और एक वेरिएशन है इंडिया का, वो भी बहुत ही सुंदर है। ये सारे हैंडलूम का साड़ीज है, इसमें फिर भी इसमें तसर के साथ सिल्क का एक थ्रेड मिला हुआ है, तो बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी इफेक्ट देती है। मैंने जितनी बार पहनी ये साड़ी ऑक्सीडाइज के ज्वेलरी के साथ, सभी लोगों ने बहुत ही पसंद किया। गुजराती स्टिच वाला साड़ी, ये भी हैंडमेड है, ये पिंक के ऊपर फिरोजी कलर जो बंगाली में कुंते बोलते हैं, ये है कश्मीरी हैंडवर्क किया हुआ साड़ी, ये बेंगलुरु सिल्क के ऊपर फिरोजी कलर के, बेंगलुरु सिल्क के ऊपर ऑफ व्हाइट और ब्राउन कलर का थ्रेड देखे है। ये पल्लू मैं दिखा रही हूँ, पूरा पल्लू बहुत ही गॉर्जियस है। ये पार्टी वेयर साड़ी है और शादी बारी में, पूजा में, हर जगह पे आप पहन सकते हो, कोई भी फंक्शन पे। ये पल्लू पहले मैंने दिखाया, अभी बॉडी दिखा रही हूँ, इसका बॉडी ऐसे है, ऐसे नीचे का बॉर्डर ऐसे है और ऐसे थ्रेड वर्क किया हुआ है, और इसके अंदर ऐसे पान की पत्ते की तरह प्रिंट है और ऐसे इधर पाइन के पत्ते की तरह प्रिंट है। ये भी बहुत गॉर्जियस लगते हैं, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन पे पहनो तो। ये मेरे दिल के बहुत करीब भी है साड़ी, साड़ी मेरी सास, मम्मी, मेरी फ्रेंड, रिलेटिव्स ने, ससुराल और मायके के रिलेटिव्स का दिया हुआ है जो मैं दिखा रही हूँ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का दिया हुआ साड़ी है। ये देखिए ये पल्लू ऐसे है, बहुत स्मार्ट लगता है, पल्लू पूरा ब्लैक है और बॉर्डर ऐसे है, बॉर्डर भी ब्लैक है, दोनों तरफ का बॉर्डर ऐसे ब्लैक है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। देखिए देखिए एक रस्ट कलर का साड़ी है, ये थोड़ा ऑरेंजिश रस्ट है, ये साउथ इंडियन सिल्क है, जैसे मेरे व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है, मेरे कॉम्प्लेक्शन पे ऐसे साड़ी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं दुर्गाष्टमी पे पहनी थी और एक बार मैं दशमी पे पहनी थी, तो हमारा सिंदूर को लेके खेलते हैं माँ के साथ, दुर्गा माँ के साथ, और
जो सुहागन लेडीज़ होते हैं सब खेलते हैं, वो मैं खेली थी ये साड़ी पहन के। ये भी बहुत अच्छा है, देखिए। अभी देखिए इसका पहलू ऐसे है, बहुत ही गॉर्जियस है, पूरा जरी का काम किया हुआ है, ऐसे है। मेरे पास दो पिक्चर है ऐसे ये पहन के और पीछे से पल्लू ऐसे लेके, तो मैं दो पिक्चर ही डाल दूंगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। इसके साथ ब्लाउज पीस भी है, मैंने अभी तक बनवाया नहीं। मैं गोल्डन टिश्यू के ब्लाउज के साथ ये पहनती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अभी ये देखिए, ये जैसे मेहंदी ग्रीन कलर का पल्लू है इस साड़ी का, ये कांजीवरम सिल्क है, डिफरेंट टाइप का। इसमें भी पूरा जरी का काम किया हुआ है, पूरा मेहंदी ग्रीन कलर का, और अंदर है बहुत ही डार्क टाइप का पाटो कलर, और बॉर्डर ऐसे मेहंदी ग्रीन ऊपर का है और नीच का भी है, और ये पर्पल के अंदर जैसे मेहंदी ग्रीन थ्रेड से पत्ता पत्ता जैसे वीविंग है, मतलब एक पर्पल थ्रेड और एक ऐसे मेहंदी कलर का वीविंग किया हुआ ऐसे थ्रेड के साथ बनाया गया। होपफुली आप देख सकते हैं, मैंने बहुत पास में लेके आई। तो ये साड़ी अनोखा कॉम्बिनेशन है, मैं पर्पल बोल रही हूँ, असल में ये है जो प्रिंटिंग प्रेस पे जो काली होते हैं, कोपिंग कलर भी बोलते हैं कोई कोई, ऐसे बहुत डार्क ब्लैक वाला पर्पल जैसा है। जो बैंगन का बाहर का स्किन होता है ना, उससे भी डार्क वाला, उसके साथ ब्लू का शेड वाला पर्पल है। ये भी बहुत ही सुंदर है, रात का कोई भी ओकेशन पे आप पहनो तो। ये कांजीवरम सिल्क है, डिफरेंट टाइप का। इसके साथ भी ब्लाउज पीस है, मैंने ब्लाउज बनाया इसका, ऐसे मेहंदी कलर का ब्लाउज है, इसको एसिड प्रिंट बोलते हैं। साड़ी ऐसे है, पत्ता ऐसे पत्ता किया हुआ, और जैसे वुडन पेंसिल, कलर पेंसिल से आप ऐसे ऐसे दीवार पे करो तो जैसे होते हैं ऑफ वाइट पे, ऐसे मल्टी कलर पे ऐसे वुडन पेंसिल जैसा स्क्रैच जैसा है। ये भी एसिड प्रिंट है, ये भी बहुत ही सुंदर है, एसिड प्रिंट है मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन का है। देखिए इसका पल्लू, देखिए ऐसे है पल्लू, लंबा लंबा स्ट्राइप है। देखिए कितना सुंदर है पल्लू, ऐसे है पल्लू। ये बहुत ही एलिगेंट साड़ी है, मैंने लास्ट टाइम पूजा पे पहनी थी, इतने दिन बाद, शादी के इतने दिन बाद मैंने इसको पहनी दुर्गा पूजा पे, दशमी के दिन। तो मेरा जो साड़ी का लुक है आप इनसेट पे देख ही सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। इसके साथ भी ब्लाउज पीस था। अभी देखिए ये साड़ी, ये पल्लू पूरा सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर लाइट वायलेट और ब्लू दोनों शेड का शेडेड सिल्क है, जूट सिल्क बोलते हैं, मेरे शादी के वक्त बहुत चले थे जूट सिल्क। ये सब ट्रेडिशनल साड़ीज़ हैं, तो ये तो मतलब जब तक लोग साड़ी पहनेंगे लेडीज़ तब तक ये चलेंगे, ये पुराना नहीं होता है। ट्रेडिशनल साड़ीज़ का वैल्यू हमेशा रहता है। मुझे फैंसी साड़ीज़ इतना पसंद नहीं, मेरे पास बहुत ही कम है, मुझे ट्रेडिशनल साड़ीज़ भी पसंद है। ये ऐसे है जूट सिल्क का पल्लू, देखिए इसका पल्लू कितना सुंदर है, सिल्वर के ऊपर है पूरा पल्लू, ऐसे बड़ा बड़ा पत्ता ब्लू और वायलेट का थ्रेड मिला के किया हुआ है, और ऐसे बॉडी है इसका जैसे डायमंड हो, अमेरिकन डायमंड हो या पर्ल हो, उसके साथ बहुत अच्छा जाता है, नहीं तो जो सिल्वर ज्वेलरी है उसके साथ भी बहुत अच्छा जाता है, ये साड़ी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ नहीं जाता है। ये बॉर्डर देखिए, बॉर्डर में गोल्डन है, सिल्वर है और एंटिक गोल्ड फिनिश का है, पूरा बॉडी पे काम किया हुआ है, पूरा बॉडी ऐसे है, पूरा पूरा ऐसे करो ऐसे करो, पूरा बॉडी ऐसे है। ये भी मेरा बहुत पसंद का साड़ी है,
मेरा शादी का मतलब शादी का दिन का नहीं, शादी के लिए मेरे मम्मी पापा ने खरीद के दिया, मैंने शादी से पहले ये पहन लिए थे। मुझे बहुत ही पसंद है ये साड़ी, लहंगा स्टाइल साड़ी है। ऐसे साड़ी पे ऐसे स्टिच किया हुआ है, ऐसे ही दुकान से खरीदे थे। पहली बार मैंने जब पहनी तो सबने बोला ये क्या लहंगा पहनी हो, तो मैंने बोला नहीं लहंगा स्टाइल साड़ी। ऐसे है साड़ी, इधर से जाएगा जो मेरा लुक है। ये साड़ी पहन के मैं इनसिक पे दिखा रही हूँ, आप देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे है होते हैं लहंगा स्टाइल साड़ी। यही मेरा एक फैंसी साड़ी है, यही तो मेरे सारे साड़ी ट्रेडिशनली है। इसके अंदर ये जो नीचे का प्लीट्स है उस पे गोल्डन थ्रेड, गोल्डन बीट, वाइट बीट और ऑफ वाइट नेट के ऊपर पूरा काम किया हुआ है। देखिए पूरा ऐसे फैला के पूरा काम किया हुआ है। आप फेस्टिव सीजन का दिवाली पे आप पहनो, दुर्गा पूजा पे, कोई भी जैसे बहुत आपका जो इम्पोर्टेंट पूजा है, जिसमें भी जो भी फेस्टिवल, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, बहुत ही अच्छा साड़ी है। देखिए कितना सुंदर है ये साड़ी, मेरे मम्मी का और सास का साड़ी मैं पहनती हूँ कभी कभी। पारसी वर्क का क्या होता है, अलग से ये बॉर्डर बना के स्टिच कर देते हैं। हर अच्छा पारसी वर्क का किया हुआ साड़ी का ऐसे ही होते हैं। तो आपने देखा ना मेरा साड़ी कलेक्शन, करीबन 15 साड़ी मैंने दिखाया। कॉटन का जो तांते साड़ी बोलते हैं बंगाली में, तांत का साड़ी, और मैंने सिल्क दिखाया, गीचा तसर दिखाया, प्रिंटेड सिल्क दिखाया, एसिड प्रिंट दिखाया। तो कोई भी साड़ी आपको पसंद है उसका मटेरियल के बारे में और स्टिच के बारे में, प्रिंट के बारे में आप मुझे पूछ लीजिएगा, और कौन सा स्टेट का साड़ी है, बंगाल का कहाँ का साड़ी है, मैं बोल दूँगी। प्राइस मुझे मालूम नहीं, ये सब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मम्मी, सास, ये सभी ने मुझे दिया है। पहले से एंड तक जिन्होंने मेरा साड़ी कलेक्शन देखा उन सभी को मेरा नमस्ते और थैंक यू। और फेस्टिव सीजन आ रहा है, नवरात्रि, दिवाली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, और फिर ठंडा में क्रिसमस, वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर सभी कुछ आ रहे हैं। तो आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आपके लिए मैं प्रे करती हूँ आप और आपका फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका टाइम बहुत अच्छा कटे। फेस्टिव सीजन में बहुत खुश रहिएगा। और लेडीज़ को मैं बोल रही हूँ, कोई भी साड़ी पसंद है, कोई भी पैटर्न पसंद है, अभी तो दुकान पे स्टॉक बहुत अच्छा मिलेगा। दुर्गा पूजा का टाइम है, दुर्गा पूजा अक्टूबर का मिडिल पे है, तो आप तुरंत जाके खरीद लीजिएगा। पूरा साड़ी सब फोल्ड करके मैं फ़ोटो दे दूँगी इंस्टेट पे, आप देख लेना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना कौन कौन सा साड़ी आपको पसंद आए, और आपके पास ऐसे कौन सा साड़ी है, कॉमन है, मेरे से कॉमन है साड़ी का कलेक्शन पे, तो मुझे ज़रूर बताना। और 15 साड़ी मैंने दिखाया तो एक लाइक तो बनता ही है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक, आपका फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा कटे और बहुत एंजॉय कीजिएगा, और खूब सारा खाना खाइएगा, ज़्यादा करके पानी पीजिएगा और अच्छा अच्छा साड़ी पहनिएगा। बाय। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।